अरे जनता के मुद्दों पर आइए, क्या मुख्य मुद्दों से डिरेल करना चाहते हैं आप? और ये तो कह रहे हैं सापरा साहब बहुत क्लियरली कि हम तो तैयार हैं, बताइए कॉम्पैक्ट प्लान बताइए। हर कोई कह रहा है कि आतंकवाद को खत्म करना है हमको, फिर आप क्यों घूम फिर के 370 स्पेशल स्टेटस का दर्जा इन सब पर आ जाते हैं? मैं पहले बड़ी बात स्पष्ट कर दूं, जहां तक स्टेटहुड की बात है, हमारी पार्टी कमिटेड है चुनाव के बाद स्टेटहुड होगा। हाँ। और वह हम ही कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते क्योंकि वो करना है सरकार ने और हम वो करेंगे। स्टेटहुड राज्यों को मिलेगा, 100% मिलेगा, विदाउट फेल मिलेगा। और ये मैं नहीं कह रहा, अमित शाह जी बड़ी स्पष्टता के साथ कह चुके हैं। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि देश में राज्य में स्थिरता की बात करते हैं। अरे भैया, आपके जो अलायंस पार्टनर है अफजल गुरु के साथ खड़े दिखते हैं, क्योंकि आपके जो नेता है वो भी अब्दुल गुरु के साथ खड़े थे और आपकी पार्टी में वो सब लोग हैं जो अब्दुल गुरु कहते थे, अब्दुल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। और उमर अब्दुल्ला का अभी रिसेंट का बयान सुन लीजिए, तो आप देश का सॉरी राज्य का विकास कैसे करेंगे जब राज्य में स्थिरता नहीं होगी? राज्य में स्थिरता की जरूरत है, तो राज्य में शांति की जरूरत है, पर आप तो शांति चाहते नहीं, आप तो शांति की बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, आपके मैनिफेस्टो में जो पेंशनर्स हैं उसके बारे में क्या कहना है? हमने तो कहा हम पेंशन वालों की चिंता करेंगे, 1000 से 3000 करेंगे। हमने कहा हम किसान सम्मान नीति बढ़ाएंगे, किसान सम्मान नीति 6000 से 10000 करेंगे राज्य के लिए। हमने कहा कि हम आयुष्मान भारत का स्कोप है उसको हम बढ़ाएंगे यहाँ पर और 5 लाख से बढ़ाकर आगे लेकर जाएंगे। तो आपके लोगों का क्या कहना है सबके बारे में? और डेवलपमेंट का जो एजेंडा है, जो IIT एम्स और हमने खोले, वो तो आपने कभी खोले नहीं थे, सोचे आपने तो बच्चों के आपने पत्थर दिए थे। और जो आखिरी बात मुझे कहनी है, इनसे एक बार जरा ये पूछ लीजिए कि कश्मीर को ये निजाम मुस्तफा बनाना चाहते हैं, कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को ये इस्लामिक नेशन में कन्वर्ट करके जम्मू कश्मीर को क्या उसका कैपिटल बनाना चाहते हैं? क्योंकि ये एजेंडा है आपकी पार्टियों का और ये उनके साथ खड़े हैं उन पार्टियों के साथ। उत्तर दे दो, देखिए ये इतनी बड़ी बातें करते हैं, मेरी 3 बातों का जवाब दे दे मात्र, मैं इनको ज्यादा उलझाना नहीं चाहूंगा क्योंकि ज्यादा बातों का ये जवाब दे नहीं पाएंगे। ये बताएं कि तालिब हुसैन, जिसके तार हिजबुल मुजाहिदीन के साथ में जुड़े हुए थे, उसकी भारतीय जनता पार्टी के जो बीजेपी के अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के, उसके साथ में तस्वीर थी, उसके साथ में वो कार्यकर्ता बने और उन्होंने अपने पिछले चुनाव के अंदर MLA की टिकट भी मांगी थी, ये क्यों मांगी थी? आप ये बता दीजिए कि तारिक अहमद मीर को बीजेपी ने पिछले चुनाव के अंदर विधायकी की टिकट क्यों दी थी? उसके तार जो है वो आतंकी संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं। फारूक खान जो श्रीनगर के वार्ड क्रमांक 33 से कॉरपोरेशन का चुनाव लड़े थे, उसके तार आतंकियों के साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये तमाम सारी बातें जो है इसका उत्तर आपके पास नहीं है। और जो डीवाईएसपी देवेंद्र सिंह के साथ इतिहास के पन्ने अगर सापरा साहब पलटेंगे तो इतिहास के पन्नों में फिर ऐसी बहुत सारी तस्वीरें बहुत लोगों के साथ नजर आएंगी जिस पर फिर बीजेपी सवाल उठाएगी। बहुत सारे लोगों की तस्वीरें फिर बहुत सारे लोगों के साथ आएंगी। फिर तो राहुल गांधी की अभी की पिक्चर की बात कर लेंगे ना ये लोग, जिसकी बात कर रहे हैं ये जो उसकी भी बात कर लेंगे। सवाल उठा रहे, ठीक है, इनके सवाल से मैं सवाल उठा रहा हूँ, ठीक है, इनके सवाल से। मैं तो स्टेटहुड पे था, इनके पास नहीं, तो उसको लेकर तो क्लियर है ना, अमित शाह खुद कह चुके हैं कि हम लेकर आएंगे स्टेटहुड, और ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका, अमित शाह भी कह चुके हैं। फिर राहुल गांधी इसको बुनाने की कोशिश क्यों करते हैं कि हम स्टेटहुड लेकर आएंगे? भाई जब केंद्र का जब ये केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है, अमित शाह ये कह रहे हैं कि स्टेटहुड लेकर आएंगे, तो फिर राहुल गांधी उसको चुनावी माहौल में भुनाने की कोशिश क्यों करते हैं? जब राहुल गांधी का उससे ना लेना एक ना देना दो, जब अमित शाह कह रहे हैं हम लेकर आएंगे स्टेटहुड और अभी नहीं कह रहे, पहले ही कह चुके हैं वो इस बात को, तो फिर राहुल गांधी उसको चुनावी माहौल में क्यों भुना रहे? नहीं, चुनावी माहौल में क्या भुना रहे, जनता की मांग है भाई, पूर्ण राज्य का दर्जा। अरे वो तो खुद कह रहे हैं लेकर आएंगे ना, जनता की मांग के साथ साथ अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं वो खुद कह रहे हैं लेकर आएंगे। ये तो जुमलेबाज पार्टी है, ठीक है। संजय राणा जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं, संजय राणा जी जल्दी से, ठीक है। एक सेकंड सिंह साहब आपका जवाब देने से पहले, कश्मीर के अंदर हमारी सरकार आने दो, फिर बात करेंगे आपके, ठीक है। संजय राणा जी जल्दी से जवाब देंगे। सपरा साहब देखिए, पढ़े लिखे प्रबुद्ध व्यक्ति है, उनको अच्छी तरह पता होगा क्या बातें कर रहे हैं। जहां तक स्टेटहुड की बातें आ रही है, तो जब चुनाव हो जाते हैं उसके बाद स्टेटहुड हो जाएगा और उसको कोई रोक नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है उसको रोक लेगी। तो हमें नहीं समझ में आ रहा किस स्टेटहुड की बात कर रहा है। अगर स्टेटहुड की बात ना होती तो चुनाव नहीं कराए जाते। भाई चुनाव क्यों हो रहा है?
जनता के द्वारा, जनता के लिए चुनाव हो रहा है और जनता द्वारा ही प्रतिनिधि चुने जाएंगे, जनता द्वारा सरकार बनाई जाएगी। तो सरकार जो वोट देने का अधिकार तो जनता को है। और देखिए गमन कहीं ना कहीं किसने किया है अभी तक, देखिए महंगाई चाहती थी कि दो टुकड़े हो जम्मू कश्मीर के। बिल्कुल सर, बताओ क्या जम्मू कश्मीर की जनता चाहती थी कि ये यूटी डिक्लेयर हो? सर 30 सेकंड दे, आप इस पे बता दीजिए ना। बता उसी, आप बहुत होशियार बन रहे हैं, आप बहुत होशियार बन रहे हैं। दिक्कत क्या है ना कि दिक्कत क्या है, मैं आपको बताती हूँ सापरा साहब, मैं बताती हूँ आपको प्रॉब्लम, फिर उसके बाद इसका जवाब राणा जी कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, समस्या क्या है ना जम्मू कश्मीर में, कि जम्मू कश्मीर की जनता को, सुनिए मेरी बात सर, जम्मू कश्मीर की जनता को, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को हर किसी ने अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए आज तक इस्तेमाल किया है। उनको पता ही नहीं कि उनके अच्छे में क्या है और उनके बुरे में क्या है, क्योंकि हर किसी ने उनको ढाल बनाया अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। आज तक उनकी जिंदगी को, उन वहां के युवाओं को, उनकी उनकी जवानी को बर्बाद किया वहां के लोगों ने, ताकि अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सके। 10 साल से एलजी ने क्या किया, हर कोई ये जानता है, हर कोई ये जानता है कि जम्मू कश्मीर का मामला एक सेंसिटिव मामला है। लेकिन उसके बावजूद वहां के लोगों की सुध असल मायने में किसी ने नहीं लिया सापरा साहब, ये बात सच है। क्योंकि जम्मू कश्मीर को मुद्दा बनाएंगे तभी तो पाकिस्तान का गुणगान कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर को मुद्दा नहीं बनाएंगे तो पाकिस्तान का गुणगान कैसे कर पाएंगे हम लोग? जम्मू कश्मीर को चलाया गया, ठीक है, ठीक है, जल्दी से राणा जी, 30 सेकंड दे रही हूँ आपको, टाइमर रखेंगे राणा जी के, मैं जल्दी से 30 सेकंड। बिल्कुल, देखिए ऐसा सप्रे साहब को एकदम मैं बंद उनका जिप लगा देता हूँ। देखिए 1951 में एक साजिश के साथ इन्होंने बोला ना कि अलग अलग बांट दिया, साजिश के तहत शेख अब्दुल्ला नेहरू जी ने मिलके इस स्टेट में जो नंबर ऑफ सीट्स बटे थे, जहां पे आबादी कम थी वहां पे 48 सीट दे दी, यानी वैली में, जहां का जम्मू होता था जिसमें लोग आबादी ज्यादा, इसमें अरे सर सुन लीजिए, अरे सर ड्राइविंग सीट में और रियर व्यू मिरर में देख करके बात करना चाहते हैं। आपकी समस्या तो बीजेपी वाली समस्या है कि आपको बैठना ड्राइविंग सीट में और रियर व्यू मिरर में देखना है। अरे इधर उधर की बात मत करिए, आज की बात करिए, ठीक है? मैंने जब आईना दिखाया, आज की बात करें ना, ऐसे पीछे जाएंगे तो मैं भी बहुत इतिहास बता सकता हूँ। एक करके सापरा साहब अपने समय में बोलिएगा, मैं आपको दूंगी समय सर, 20 सेकंड का टाइम दूंगी, प्लीज 1 सेकंड रुक जाइए। राणा जी जल्दी से खत्म करिए, इन्होंने ये बोला, अरे सर उनको अपने हिसाब से बात करने दीजिए ना सापरा साहब, जैसे आप कर रहे हैं वो कर रहे हैं। समस्या क्या है ना, अपने हिसाब से बात करने की आजादी है, आईना दिखा रहा हूँ। उन्होंने बोला कि जम्मू को कश्मीर से अलग कर दिया गया, अरे आपकी साजिश थी, नेहरू जी की साजिश थी, 48 सीट वैली को दे दी जहाँ पे आबादी कम थी और 30 सीटें वहाँ दे दी जहाँ पे आबादी ज्यादा थी, 2 सीटें लद्दाख को दे दी। अरे भाई साहब, संजय राणा जी, मैं रोक रही हूँ आपको, राणा जी मैं रोक रही हूँ आपको, जल्दी से आरपी सिंह साहब 30 सेकंड का टाइमर आपका ऑन है, आपका एक कॉमेंट जल्दी से लूंगी। मोटी मोटी बात है कि डबल इंजन की सरकार जम्मू कश्मीर को विकसित कश्मीर बनाएगी, नया कश्मीर जम्मू कश्मीर होगा, जिसके अंतर्गत वहां पर रोजगार भी होगा, वहां सैलानी भी होंगे, वहां टूरिज्म भी होगा। मैं ये चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों पर बात करे जो वो नहीं करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ये कहना चाहिए कि आने वाले दिनों के अंदर हिंदुओं की टारगेट किलिंग नहीं होगी। उन्होंने ये कहना चाहिए कि हिंदू पंडित है जो, वो कश्मीर वैली में जाकर के सुकून से रह सकते हैं, उनके घर बस सकते हैं, उनको वहां पर काम करने की इजाजत मिल सकती है। कश्मीरी पंडित जो आज कैंप में रह रहे हैं, वो कैंप से निकल करके अपने घरों में चले जाएंगे, इसका आश्वासन तो भारतीय जनता पार्टी नहीं देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इधर उधर की बात करेगी और टीवी चैनलों पर आकर के जो उनके चाटुकार हैं, उनके चाटुकार बीच में बोलेंगे, ये चाटुकारिता कर सकते हैं, ये चेयर लीडर बन सकते हैं, इनके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। इनको भारतीय जनता पार्टी इसीलिए रखती है साथ में, चाटुकारिता की बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरी की पूरी कवायद ये समझाने भर की सिर्फ है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। जिसको ये बात समझ में नहीं आती है वो कम से कम अपने इंटेंशंस क्लियर कर ले, कि कोई कुछ भी कर ले, कश्मीर हमारा था, है और हमेशा रहेगा।